बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपको कम कपड़े से ट्रोज़र बनाकर दिखाऊंगी, इस पर डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी। कटाई मैंने कर ली है। ये पीस मेरे पास टोटल, इस पीस की टोटल चौड़ाई मेरे पास थी 10 इंच। चौड़ाई बहुत कम थी इसलिए मैंने इसके साथ कमीज़ का पीस अटैच किया। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 10 इंच, 5 इंच, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। डबल फोल्ड किया हुआ इसे, और जो पीस यहाँ से निकला था उसकी मैंने इधर से कटाई करके इसे ऊपर अटैच कर दिया। इससे टोटल चौड़ाई हो गई है 17 इंच। अब मैं इसकी दरमियान से कटाई कर लूँगी। ऊपर से जो पीस उतरा था उसकी मैंने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इनकी चढ़ाई मैंने रखी है 2 इंच। अब ये इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और इस कपड़े पे अटैच करूँगी। इस तरह से दरमियान से 1-1 इंच छोड़ के ये पट्टियाँ अटैच कर लूँगी यहाँ तक। उसके बाद इसका पांचा तैयार कर लेंगे। 2 इंच चौड़ी पट्टी कटाई की है। इसे इस तरह से मोड़ के दोनों साइड से इस्त्री से सेट कर लूँगी और इस कपड़े पे अटैच कर दूँगी। ये इस्त्री से मैंने सेट कर ली है। इस तरह से मैं अटैच करूँगी। यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी दरमियान में, 1-1 पैर का वक्फा छोड़ के दरमियान में इसकी सिलाई लगाऊँगी। दरमियान में इसकी 2-2 सिलाई लगाऊँगी 1-1 पैर का वक्फा छोड़ के। इस्त्री से मैंने निशान बना लिए हैं कपड़े पे। अब इस तरह से अटैच करूँगी। इस तरह से करके दरमियान में मोती अटैच करूंगी। 3 पट्टियाँ मैंने अटैच कर दी हैं। नीचे से 3 इंच छोड़ के, नीचे से कपड़ा मैंने 3 इंच छोड़ा है, आधा आधा इंच छोड़ के पट्टी अटैच करूंगी। इस पांचे को इसके दरमियान वाले हिस्से के साथ अटैच कर दूंगी इस तरह से रख के। और दूसरी साइड पे इसको भी अटैच कर दूंगी। दरमियान से 1/2 इंच छोड़ के ये मैंने पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। ये मैंने 7 पट्टियाँ अटैच की हैं। उसके बाद इस तरह से रख के सिलाइयाँ लगा ली। सिलाइयाँ लगाने के बाद बाहर को मोड़ते हुए सिलाइयाँ इसके किनारे पे भी सिलाई लगा दी दोनों साइड पे। अब इसके बाद इसका पांचा तैयार कर लेंगे। पांचे के लिए बुकरम मैंने ली है। पांचे के लिए बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है 15 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच ली है। अब मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी।
इस तरह से, इसके लिए मैंने ये पीस लिया है, पहले इस पर कटाई करूंगी। डेढ़ इंच ये चौड़ा है, 3 इंच लंबा। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी, एक बार और फोल्ड करूँगी इस तरह से बराबर रखते हुए। और यहाँ से आधी इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी मैं और गुलाई में कटाई कर लूँगी। खुली वाली साइड छोड़ के जिधर से मैंने बंद की है इधर से रख के कटाई करूँगी इस तरह से। पांचे पे पेश कर लूंगी, 3 इंच चौड़ा पीस लिया मैंने। अब मैं इसे इस तरह से रख के सिलाई लगा लूंगी। उसके बाद इजाफी पीस उतार लूंगी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूंगी। इस तरह से पांचे को मैंने सेट कर लिया। इसके नीचे पीस लगाने के लिए मैंने कटाई कर लिया। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच, लंबाई मैंने ली है, लंबाई इस पीस की मैंने ली है 34 इंच। अब मैं इस पे इस तरह से सिलाइयाँ लगाऊंगी, एक एक पैर से थोड़ी सी कम, इस तरह से एक एक इंच छोड़ते हुए लगा कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये पीस मैंने इसलिए रखा है कि सिलाई में सफाई आती है। ये जो मैंने सिलाई लगाई है इसमें धागा उलझ गया है ऊपर वाला, ये देखिए नीचे भी इस तरह से धागा उलझ जाता है पहली सिलाई लगाते हुए। ये पीस साथ रखूंगी तो इस तरह से धागा नहीं उलझेगा। इसी तरह से मैं बाकी सारी सिलाइयाँ भी लगा लूँगी। 16 इंच कपड़े पे सिलाइयाँ लगानी है, बाकी कपड़ा 16 इंच तक मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और जो 7 पीस बचा था उसे इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्डिंग के लिए पीस कम था, मैंने और पीस डाल लिया इसके साथ। अब मैं इसके किनारे पे सिलाई लगाऊँगी और इसे सीधा कर लूँगी।
सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लिया और इसके किनारे पे सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से रख के सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे। इसी तरह से साथ साथ सिलाई लगा लूँगी। बाकी मोती मैंने अटैच कर ली है, एक मैं करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मोड़ के ये वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है और इस तरीके से इसे सेट कर लिया। अब मैं इसे डबल फोल्ड करके 6 इंच पे सिलाई लगा लूँगी। 5 इंच का मैं 6 इंच रखूँगी। ट्रोज़र की डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ट्रोज़र बना है। आपको पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।